26th of March 2023 और आज है बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे। आपको लग रहा होगा कि आज मैं बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। द रीजन इज आपने 1971 के वॉर के बारे में सुना और देखा जाए तो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में इंडिया का एक मेजर रोल रहा है, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री वो सपोर्टेड बांग्लादेश फॉर इट्स लिबरेशन वॉर। अगर इसकी हिस्ट्री देखा जाए तो 1970s में जब पाकिस्तान में इलेक्शन होना शुरू हुए, कंबाइंड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, तब जो हमारे ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे मुजीबुर रहमान ने भारी वोटों के साथ अपना विनिंग डिक्लेरेशन किया था। बट वेस्ट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि मुजीबुर रहमान को सारा का सारा अथॉरिटी मिले, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट हिम। तो उसी वजह से मुजीबुर रहमान को कोई पोस्ट नहीं दिया गया। और ऑब्वियसली इस कंडीशन में जब लोगों के सपोर्ट से कोई लीडरशिप में आता है तो उसको लोगों का भी सपोर्ट कॉन्स्टेंट बेसिस पे मिलता है। तो पीपल्स हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग फॉर दिस एक्टिविटी, जिससे वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आर्मी को सेंड किया कि ईस्ट पाकिस्तान को कैप्चर करके मुजीबुर रहमान को अपने पद से रिमूव करे। उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसी वजह से वहाँ से रिफ्यूजीज काफी आने लगे और फिर उन्होंने इंडिया से सपोर्ट मांगा। और हमारी उसमें इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि वो इस वॉर में बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगी। और उसी के साथ शुरू हुआ हमारा 1971 का वॉर, जिसके ऊपर हम अपनी हिस्ट्री में काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। और 25th ऑफ मार्च के दिन वेस्ट पाकिस्तान ने अपनी हार एक्सेप्ट किया और बांग्लादेश को लिबरेट किया। एंड 26th of March 1971 में बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे मनाया। इस दिन से बांग्लादेश का अपने कंट्री का नाम जो बांग्लादेश है उसे डिक्लेरेशन मिला। बांग्लादेश का बेसिकली टर्म है द लैंड जहाँ पे बंगालीज रहते हैं। इट्स कंबाइंड ऑफ बोथ बंगाली मुस्लिम्स एंड बंगाली हिंदूज। तो इस तरीके से बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे शुरू हुआ और इंडिया का इसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल था, बिकॉज इंडिया इज सपोर्टिंग हिम। सो इसी के साथ हम अपने पड़ोसी बांग्लादेश को विश कर सकते हैं उनके इंडिपेंडेंस डे के दिन। और साथ ही साथ ऐसे टाइप के नॉलेजफुल और इनसाइटफुल सेशंस के लिए फोकट का ज्ञान को फॉलो कीजिए और फोकट का ज्ञान लेते रहिए।